हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आया हूँ जो सिर्फ टीम सोल के ऊपर होगी। आज हम बात करेंगे कि सोल कब फॉर्म हुई थी, उसमें कौन कौन से रोस्टर कब ऐड हुए और मोर्टल की अर्निंग क्या क्या है, वो भी टीम सोल के तरफ से। टीम सोल के छोटी से छोटी अपडेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी नए वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं। ये वीडियो मैंने सिर्फ सोल फैन और जो सोल को जानना चाहते हैं, जो सोल को करीब से जानना चाहते हैं कि सोल कैसे फॉर्म हुई और आप भी अपना रोस्टर कैसे फॉर्म कर सकते हैं और आपकी अर्निंग क्या क्या हो सकती है, उसके लिए ये सिर्फ ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आए हूँ। सो प्लीज़ गाइस, लाइक सपोर्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो की एंडिंग हर एक हिंदुस्तानी को पता होगा, तो वीडियो को नहीं देखेंगे उनकी पूरी लाइफ वेस्ट हो जाएगी। तो ज़रूर देखें इंड तक इस वीडियो को, और मोर्टल के लेजेंडरी लैंड देखने के बाद वो बेल आइकन का घंटा दबाना मत भूले। सुनने में ऐसा है कि अमन आप TSM Entity ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपके तरफ से नए रोस्टर कौन कौन से प्लेयर होने चाहिए। मोर्टल, रेगल्टस, सांगवान, बाइपर और एक बंदा कौन होना चाहिए। रूमर से पता चल रहा है कि वो गोल्डन वैम्पायर टीम सोल में आके सोल वैम्पायर होंगे, लेकिन वो तो अब टीम सोल ऑफिशियल के अनाउंसमेंट के बाद ही पता चलेगा। उस अनाउंसमेंट तक वेट कीजिए गाइस। प्लीज़ डू सपोर्ट द चैनल एंड इफ यू लव मोर्टल डू वॉच द फुल वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज द लोगो ऑफ टीम सोल। ये टीम सोल का लोगो है। टीम इन्फॉर्मेशन, लोकेशन इंडिया से है, रीजन एशिया से है, CEO मोर्टल है और टोटल अर्निंग 1,60,097 डॉलर है। ड्रीमैक फॉर्म मुंबई में वो फॉर्म हुआ था 2018 में, ड्रीमैक मुंबई से। अगस्त 5 ने स्काउट ओपी में ज्वाइन किया। PMCO फॉल स्प्रिंट में अमन साउट फॉर TSM Entity क्लॉज गार्ड स्ट्रिप और आगे वो सेकेंड हो गए थे, TSM Entity फर्स्ट हो गई थी। December 1st में अमन आ गए और क्लॉज गार्ड वो 8 बीट में गागर अब TSM Entity में है। 2020 की बात है तो January 17th में सांगवान ज्वाइन हो गए, June 16th में भाटिया एड होकर एनालिसिस बने। पहले रोस्टर की बात बताता है तो रौनक OS स्काउट और स्लेयर थे, वो इसमें रौनक करते थे स्नाइपिंग और अटैकिंग। OS अटैकर थे, स्काउट ही होंगे और सपोर्टर होंगे और स्लेयर वो स्नाइपर थे। बाइपर, वो अब की रोस्टर की बात करें तो बाइपर सपोर्ट करते हैं, रेगल्टस असर्टिंग करते हैं, मोर्टल IGL करते हैं, सांगवान असर्टिंग करते हैं, अमन अब मिडल मैन है और वो टीम सोल छोड़ने की बात कर रहे हैं। क्लच गार्ड, वो विवेक अब्बास और वो और अमन जैन PMCO फॉल स्प्रिंट के बाद रिप्लेस किया थे TSM के सोल से TSM। मोर्टल वो CEO और स्ट्रीमर ऑनर है, और वो बात करें तो इनकी अर्निंग की 1,60,097 वो कहाँ से आ गए, तो पबजी मोबाइल प्रो लीग स्प्रिंग स्प्रिंग साउथ एशिया फाइनल वो 3,500 जीते थे, प्रो लीग में वो 2,000 जीते थे, स्काई स्पोर्ट्स ग्रैंड स्लैम पबजी मोबाइल इन्विटेशनल में 793 जीते थे। बाकी वो अर्निंग देख सकते हैं आप। मेजर गेमिंग विदाउट बॉर्डर्स फंडन एशिया में वो 2000 जीते थे, वो चैरिटी के लिए किया गया टूर्नामेंट था, उसमें वो सोल ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, वो आप लोगों को पता ही होगा। इंडिया टुडे पबजी मोबाइल इन्विटेशनल में वो 656 डॉलर जीते थे। BRT मेजर PMPL स्प्रिंग स्प्लिट 2020 साउथ एशियन सीजन 2 में वो 100 डॉलर जीते थे, और गेमिंग फॉर गुड चैरिटी टूर्नी में वो 656 जीते थे। साउथ एशिया सीजन 1 स्क्रीम में वो 100 डॉलर भी जीते थे। PEC में वो 6,432 जीते थे। PMCO में ग्लोबल फाइनेंस में 8,000 जीते थे। क्लब ओपन PMCO में वो 30,000 जीते थे। क्लब ओपन में वो 30,000 भी जीते थे और वो PMCO जीत के 60,000 भी जीते थे। और ये नेट ज़रूर देखना। कीप रॉकिंग, साइनिंग ऑफ, बाय बाय गाइस। ना अब वो नहीं कर सकता, पिछली बार मैं था। नहीं नहीं पिछली बार क्या कूदा थे मेरे साथ, वो मजा आ जाएगा ऐसा करके वाला। तो ए फटात में ये जीत गया। यस 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 यस।